नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 News में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भाषण देते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में बहस का माहौल पहले से बेहतर हुआ है, विरोधी पक्ष के लोग भी तैयारी करके आना चाहते हैं। योगी ने तंज कसते हुए कहा कि ईश्वर उनको इसी प्रकार से प्रगति दे और वे हमेशा विपक्ष में बैठे रहें। ये हम प्रार्थना करते हैं। बजट पर बोलते हुए योगी ने कहा कि बजट के बारे में जो चर्चा चल रही थी, आश्चर्य है कि नेता विरोधी दल तो CM भी थे, कई बार संसद में भी रहे हैं, सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बारे में जानकारी और अच्छी ले लेते तो उनका ज्ञानवर्धन होता और सपा के लोगों को वो बता सकते थे। योगी ने कहा कि 4 बार सपा की सरकार थी, अलग अलग समय में उन्होंने कार्य किया, लेकिन 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश और 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश में अंतर है। पहले का UP अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था में था और 2017 के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपी के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव और CM योगी आदित्यनाथ आमने सामने थे और आमने सामने अपनी अपनी बातों को रखते नजर आ रहे थे और दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहसा और यहाँ पर जो तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर योगी ने कहा कि जैसे दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदला, वैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण बदला है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव भी कहते नजर आए। अखिलेश यादव का कहना था कि भाजपा सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद बनती है, यानी कि देश और भारत और साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए खुद ही अपनी प्रशंसा करती नजर आती है। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने यहां पर एक दूसरे पर तीखे वार करते नजर आए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए SPN 9 News। धन्यवाद।